अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज एक और मज़ेदार सी चीज़ लेकर हाजिर हो गया। आज कुछ बुरी सा इफेक्ट क्रिएट करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, और आपको बताते हैं कि वही चीज़ें जो आप लोग सीख चुके हैं मेरे से, उसको मज़ेदार सा क्रिस्पी सा कैसे बनाया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो फोटोशॉप में आपको बताते चलूँ, 2020 मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल्ड है। मैंने अक्सर मैं अपने लेक्चर में शेयर करता रहता हूँ ये चीज़। जब भी आपने कोई काम करना है तो उसके लिए कैनवस ऑब्वियसली आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। मैंने इस वक्त HD फॉर्मेट का सिलेक्ट किया हुआ, जिसमें ये तो आपको पता ही है सिंपल HD की सेटिंग्स क्या होती है। वाइट कैनवस, और जब भी आप काम करते हैं तो वाइट कैनवस, ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा हमने वाइट ही यूज़ करना है। हम जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसकी कलर स्कीम, उसके थीम के मुताबिक हमने इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करना होता है। और अगर करेंगे तो ऑब्वियसली वो मज़ा देगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा क्रिएट होगा। अब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बैकग्राउंड से स्टार्ट करें और बैकग्राउंड से ऊपर की तरफ आप जाएँ। हाँ, फिनिशिंग जो है वो एंड पे दी जाती है, फाइनल टचिंग जो है वो एंड पे की जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने ये भी देखा कि जब मुझे क्यूरीज आती हैं या मुझे असाइनमेंट्स आती हैं, तो वहाँ पे पता ही चलता है कि यार फाइनल टचिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए शुरू में, और जब फाइनल टचिंग कर ली है तो फिर रिजल्ट्स वो नहीं बनते जो बनने चाहिए थे। तो पहले आपको ज़रूरी है कि एक रफ स्केच जो है ना वो बना लिया जाए। अब उसके लिए छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि हम एक वर्ड लिखते हैं टेक्स्ट सिंपल, जो मैंने कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब इसकी पोजीशनिंग आप देखें कि मैं मूव टूल की मदद से जो है इसको पोजीशन कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये पिंक लाइंस की मदद से जो है ना वो बता रहा है कि ये कौन सी जगह पर इस वक्त जो है ना वो मौजूद है। लेकिन क्योंकि इतना हम एक्यूरेट नहीं होते, माउस या आपके पास जो ग्राफिक पैड है वो इतना आपको एक्यूरेट रिजल्ट ना दे रहा हो, तो फिर बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप ये अपना पैनल जो है ऊपर, इस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस वक्त अलाइनमेंट की जो है ना वो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही है। इन अलाइनमेंट के ऑप्शंस में ये सिलेक्शन पे है इस वक्त, तो मैं इसको कैनवस पे सेट करता हूँ तो ये एक्टिव हो चुकी है। तो हम इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं दोनों तरफ से, ऊपर से भी और साइड से। अब जो चीज़ है वो मैंने ये देखे कि एक रफ स्केच जो मैंने बनाना था वो मैंने कर लिया। अब हम आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड लेयर्स, ये आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर होती है फोटोशॉप के अंदर। इस लेयर को हम बीच में से स्किप करके एक और लेयर जनरेट करते हैं। न्यू लेयर मैंने बनाई और इस लेयर को हम ड्रॉप कर देते हैं इसकी बैक एंड पर, यानी पिछली लेयर हमने जो है ना वो छेड़ ली। तो 3D वाली लेयर इस वक्त जो मेरी है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर कोई कलर स्कीम देनी है। उस कलर स्कीम के लिए मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि यहाँ तो पहले से डिसाइड कर लें कि आपने कौन से कलर्स यूज़ करना है, क्योंकि मैंने जैसे वुड इफेक्ट देना है तो मैंने डिसाइड किया कि ब्राउन टोन जो है ना वो हमारे लिए बेहतर होगी। तो ब्राउन टोन देनी है हमें, उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी कहाँ पे आप सेट करें। जैसे यहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं, उनमें से मैंने कोई एक जो है ना वो कलर टोन सिलेक्ट करनी है। लाइक ये कुछ ब्राउन टोन में आ रहा है और मैं इसको जो है ना वो कुछ जस्ट लाइक देन हम इसको कन्वर्ट करते हैं बैक एंड पे, और ऊपर के लिए हम अगेन एक जो है ना वो ब्लैक ब्राउन की ही लेकिन लाइटर टोन जो है ना वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो अगेन मैं कोई एक कलर जो है ना वो बना लेता हूँ, और यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो ऑलमोस्ट, तो ये आप देखें कि इसका कॉम्बिनेशन जो है ये ब्राउन, लाइटर ब्राउन और डार्कर ब्राउन का बन गया। अब हम ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा लेकिन यूज़ उस तरह से नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। तो ग्रेडियंट टूल में सेलेक्ट कर रहा हूँ,
और यहाँ पे आके हम इसका बेसिक पार्ट में पहला ही जो ऑप्शन होता है जो बाय डिफॉल्ट है जिसमें फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड सिलेक्शन होती है, तो कलर हम क्योंकि बना चुके हैं इसलिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और मैं इसका रेडियल सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ रेडियल आप समझते हैं ना, ऑब्वियसली जी बिल्कुल। अब देखते हैं आप माशाल्लाह सही हो चुके हैं, सिंपली अपने आइडियाज़ के मुताबिक इसको जो है ना वो सेंटर में ड्रॉप है। अभी देखें काफ़ी हद तक मैंने इसको सेंटर में कर लिया, लेकिन थोड़ी थोड़ी वर्किंग है, थोड़े थोड़े हिंट्स हैं वो आप लोग अपना करे जाएंगे, हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे इसलिए ज़्यादा उसमें मैं फोकस नहीं करूँगा। आप ये जो छोटा सा मैंने काम कर लिया, अब ये हमने एक किस्म का बैकग्राउंड जो है ना वो जनरेट कर लिया। अब इसमें आप देखें नीचे से लाइट आ रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता चला जा रहा है, नीचे इसका मतलब है कोई सोर्स हमारा पड़ा हुआ। अब मैं अपने टेक्स्ट की लेयर को एक्टिव करता हूँ और इस लेयर पे अब हम काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आपकी जो टेक्स्ट लेयर एक्टिव हो गई तो अब इसके ऊपर मैंने इफेक्ट लगाने हैं, तो ऑब्वियसली मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना है, कोई ओवर लेयर सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से हम आते हैं इफेक्ट्स में और ब्लेंडिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस कौन से होंगे, क्या चीज़ हम करना चाहेंगे, सबसे पहले ऑब्वियसली जो हम टेक्स्ट का कलर है उससे स्टार्ट लेंगे। तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस की विंडो यहाँ पे आ चुकी है। जब कलर चेंज करना है या इसके ऊपर कोई इफेक्ट जनरेट करना है तो आपके पास कलर ओवरले का ऑप्शन होता है और ग्रेडियंट ओवरले का ऑप्शन होता है, ये दोनों ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको पता है बहुत इस तरह कि कलर ओवरले मींस के सिंगल सॉलिड कलर हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैं ग्रेडियंट का इस्तेमाल करूँ तो इससे ही होगा कि हम कोई कलर की मिक्सिंग जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेट करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो हमने कलर्स बनाने हैं और कलर्स में कोशिश ये करूँगा कि आपको वही कलर्स मिलें जो हमने यहाँ बैकग्राउंड के लिए भी सिलेक्ट किए हुए हैं। तो ये आपके पास ग्रेडियंट कलर बार है, इसको आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से एक मैंने कुछ भी जो है ना वो पिक कर लिया इस वक्त, क्योंकि हमने कलर्स बनाए हुए थे वो कलर ऑलरेडी पिक फॉर्म में मेरे पास पड़े हुए, लेकिन मुझे अगर अभी देखें तो ये वही चीज़ नज़र आ रही है, नीचे लाइटर है ऊपर डार्कर साइड आपको मिल रही है। तो मैं इसका ऑपोजिट करना चाह रहा हूँ और मैं थोड़े से कलर्स को चेंज भी करना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हमने इस बार के ऊपर क्लिक किया, तो जैसे ही बार पे क्लिक करते हैं ये विंडो आपके सामने आ जाती है। अब इस पर आके आप थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करेंगे। अब ये जो ऑल्ट्रेशंस आप करेंगे ये आपकी अपनी पर्सनल कस्टम ऑल्ट्रेशंस होंगी। लाइटर शेड को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ और डार्कर शेड को मैं इस तरफ ले आया हूँ, ठीक है। पहले चीज़ तो हमने ये चेंज की, और अगर आप देखें तो ये आपको रिजल्ट्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और थोड़ा सा सिर्फ सोचने की बात है कि हम इसको कैसे जो है ना आपको अटेम्प्ट करें। अब इस कलर पर आप क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। इसका कलर अब हम चेंज करते हैं, लेट्स सी के हम थोड़ा सा इसको अब जो है ना वो टोन को चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कलर पे आते हैं और इस कलर को भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया और इस कलर को हम लाइटर टोन में ले जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लाइट आएगी तो इफेक्ट ज़्यादा मज़े का जो है ना वो जनरेट होगा। ठीक हो गया। तो ये जनाब आपके कलर ओवरलेज हो गए। ओके किया तो हम वापस उसी विंडो में आ गए हैं जहाँ पे हम कलर स्कीम जनरेट कर रहे थे। अब यहाँ पे ये मैंने नॉर्मल रखा हुआ, ये मैं फुल इसके यूज़ कर रहा हूँ, लीनियर स्टाइल है मेरा। और हम जो इसका ये डिग्री लेवल है यानी एंगल है वो मैंने 56 कर दिया, और यहाँ पे हम इसका स्केल जो है वो 150 कर रहे हैं। स्केल मीन्स कि हम ये अगर आप देखें तो कितना दूर और कितना पास ये ग्रेडियंट होगा, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, इधर भी आपको इफेक्ट जो है ना वो नज़र आ रहा है।
थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन हमने अभी सिर्फ फुल वैल्यूज के साथ इसको जो है ना वो यूज कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं जनाब आगे। मेजर काम, मेजर काम ये है कि हम इसमें 3D डेप्थ दिखाना चाह रहे हैं। तो बेवल एंड एम्बोस, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस पे आकर हम सबसे पहले स्टाइल में इनर बेवल जो है ना सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये आपकी टेक्निक है तो इसको हम चेंज करने लगे हैं। ये मैं हार्ड क्रिस्प पर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा हार्डेस्ट टोन। अब आप देखें यहाँ पे आपको वो चीज़ जो है ना वो नज़र आने लग गई है। ये थोड़े थोड़े इफ़ेक्ट्स जस्ट आप देखें कि किस तरह ज़्यादा आपको जो है ना वो मज़ा देने वाले हैं। अभी जस्ट हम स्टार्ट लिया है और अभी से ही उसकी अट्रैक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर आप देखें डेप्थ, तो राउंड अबाउट मैं इसकी डेप्थ जो है ना वो ज़्यादा भी नहीं लेके जा रहा, ऑलमोस्ट हम इसको कर लेते हैं। चले 140 ज़्यादा हो जाता है, हम इसको 130 कर लिए। ठीक है, देन अगली चीज इसको डायरेक्शन में आप ही रख रहे हो, साइज हम इसका बढ़ाते हैं। अब आप देखें तो ये क्या जनाब मजे की चीज बन रही है, कितना क्रिस्प आपको चाहिए। तो ऑब्वियसली वुड है, वुड में वो वाली चीज जो आनी चाहिए वो हम करने के लिए मैं इसको फुली ले जाता हूँ। ठीक है, हल्की सी सॉफ्टनेस, चले 3 pixels मैंने रख दिया। देन हम आते हैं इसके शेडिंग की तरफ। अब हमने थोड़ी सी इसमें शेडिंग थोड़ा सा वो स्टाइल टच देना है, तो शेडिंग में मैं एंगल जो है ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसका, 95 ग्लोबल लाइट ऑफ करें और 42 जो है ना हम इसका बीच में जो है ना वो एटीट्यूड सेट करते हैं। अब देखें काफ़ी मज़े का जो है ना वो डेप्थ यहाँ पर आपको नज़र आने लगे। इसके बाद एंटी एलियस ऑन करते, ये आपके कर्व्स को जो है ना वो स्मूथ करता है। देन मैं यहाँ से आके ये जो आपकी हाईलाइट मोड है इसको हम लीनियर बर्न पे लीनियर डॉच पे सेट करते हैं। बर्न पे इतना मज़ा नहीं आया, ये सेट किया और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी भी जो है ना वो 65 सेट करके देखते हैं, 68 कर दी मैंने। इधर हम करते हैं लीनियर बर्न ताकि ये जो हमारे शेडोज हैं वो आपस में मिक्स एंड मर्ज हो जाए। अब आप देखें ये नीचे से आपको इफेक्ट्स जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट मैं पैसे थी इसकी 55 ही कर दिया। ठीक है, सॉरी ये बंद हो गया, काम हमारा भी चल रहा है, एंटर का बटन दबाएंगे तो ये भी चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा अब ये जब आपने चीज़ें सेट कर ली तो आप देखें कि काफ़ी मज़े का एक इफेक्ट जो है वो जनरेट हो गया और हमें नीचे से डेप्थ मिल रही है, ऊपर से लाइट मिल रही है, जबकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो कुछ और हमें दिखा रहा है। क्या ख्याल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इंटोर मेरे पास है ऑप्शन, इंटोर में जाएंगे और यहाँ से हम पहले तो एंटी एलियास को ऑन करते हैं। अगर ये ऑन है तो फिर डेफिनेटली वैसे ही चलेंगे, आप फोटोशॉप में जो काम कर लेते हैं वो सेव भी हो जाता है, तो जो एक्टिविटी आपने कर ली है वो वहीं पे ही सेट हो जाएगी। कंट्रोल को हम ओपन करते हैं और ये लिस्ट मेरे पास आ रही है, इस लिस्ट में से आपने जो है वो सिलेक्ट करना है रिंग। ठीक है, और जैसे ही आप रिंग सिलेक्ट करते हैं अभी देखें कि यहाँ पे बड़े मज़े का इफेक्ट बन चुका है। क्या ख्याल है, ये चीज़ें हैं ज़रा अपने सिर्फ दिमाग में आपने स्टोर करनी है कि यार ये इफेक्ट कैसे जनरेट होता। क्लियर, इसकी डेप्थ को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ रेंज, ताकि मज़े का इफेक्ट जो है ना वो बने, ज़्यादा भी जो है ना वो ख़राब ना हो। लेट्स सी 82 180, चलो नीचे से लाइट जा रही है ना तो फिर मज़ा आ रहा है। क्या ख्याल है, अब अगली चीज़ कि अब हम इसमें थोड़ा सा ग्लो का इफेक्ट जो है वो जनरेट करते हैं। तो ग्लो के लिए अंदर अभी मैंने इफेक्ट जनरेट करना है तो हम इनर ग्लो की तरफ आते हैं और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स जो है ना वो करते हैं। आप लोग मेरे साथ ही है ना, इन्जॉय कर रहे हैं,
मजे की चीज बन रही है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं लीनियर बर्न, ताकि हार्ड अगर आप डालेंगे इस वक्त इफेक्ट तो वो पिछले वाले सारे इफेक्ट को जो है ना वो ख़त्म कर देगा। इसलिए ब्लेंडिंग मोड अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया है कि हर ब्लेंडिंग मोड अपना अपना एक तरीके से काम कर रहा होता है। ओपेसिटी इसकी मैं सेट कर लेता हूँ राउंड अबाउट 30, ठीक है। नॉइज़ को नहीं छेड़ रहे हैं, कलर हम क्योंकि शेडो देना चाह रहे हैं तो कलर हम बिल्कुल ब्लैक जो है ना वो क्रिएट करते हैं। अभी देखें बाउंड्री लाइंस जो है ना वो बन चुकी हैं ऑलमोस्ट, इसका शेडो आप जो है ना वो क्रिएट करेंगे। एज सोर्स है हमारा और चौक जो है वो हम देते हैं कुछ इंक्रीज करते हैं इसको, ज़्यादा मैं इंक्रीज नहीं करूँगा, इसको हम 10 पे सेट करते हैं, क्या ख्याल? 10 ज़्यादा हो जाता है, हाँ 10 ही सही है, ठीक है। देन साइज जो है वो इसका, अगर आप इसको देखें मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो काफ़ी डार्कर हो जाता है, तो जितना मुझे लगे कि वुडी वुडी इफेक्ट जो है वो आ रहा है तो हम उस पर इसको जो है ना वो सेट करेंगे। लेट्स सी कि आप ये वैल्यूज ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ जो है ना मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो आपको हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू मिल जाती है, उसमें से फिर आप अपना बेस्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। ये ऑलमोस्ट 13 पे जो है ना वो सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्वालिटी इसकी भी कंटूरिंग करते हैं, यहाँ पे आके हम जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सी कौन सा वाला सिलेक्ट करें, राउंडेड शेप, यस। देखिए इसमें जो टेक्सचर आने लग गया ना वो बड़े मजे का हो गया है ना, और रेंज इसकी आप बढ़ाकर देखें कम करके देखें, ये जो है मैं इसको 50 रहने देते हैं, ठीक है। जहाँ पर सेट था ये इसी में हम जो है वो लेकर चलेंगे। अच्छा अब ये तो हमने कर लिया, अब इसके बाद हम एक और छोटा सा काम करने लगे, स्टेन इफेक्ट। आप देखें अभी सिर्फ ऑन ही किया है तो इसकी चीज़ जो है वो कितने मजे की हुई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी इसकी सेटिंग्स हुई होती हैं। अब इसको भी हम ब्लेंडिंग मोड में आते हैं और इसको हम कहते हैं लीनियर बर्न। इफेक्ट काफ़ी डार्कर हो गया, तो ओपेसिटी इसकी जो है ना वो मैं कम कर रहा हूँ। ओके ठीक है, एंगल हम इसका चेंज करते हैं, ये मैं 19 एंगल्स पे जा रहा हूँ। लाइट इफेक्ट हमने जनरेट करना था, डिस्टेंस ये आप देखें डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं, ओके। साइज को भी मैं कम कर रहा हूँ, ये देखें कितने मजे का जो है ना वो इफेक्ट अब जनरेट हो रहा है। ये वैल्यूज के साथ आपने खेलना है और आप देखेंगे कि कितना आपको मजा आएगा कि कहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू जो है ना वो आपको मिल जाती है। अब अगर माउस मेरा आज माउस जो है ना मुझे कुछ तंग कर रहा है, क्योंकि वायरलेस है और ये किसी टाइम भी आपको कुछ भी एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म कर देता है, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये मैं तंग कर रहा हूँ। इसमें भी राउंडेड शेप मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देखें इफेक्ट वुडन कितने मज़े का बनता चला जा रहा है। अभी हम कुछ ही दूर रह गए हैं अपने फाइनल टचिंग से और ये जो है हमने इस पे इफेक्ट बना लिया। देन नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी, अब हम आउटर की तरफ चलते हैं कि हमने इनर इफेक्ट जो है ना वो क्रिएट कर लिया, तो आउटर ग्लो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कि बाहर की तरफ का इफेक्ट इसका कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो भी मैटर करेगा ना। असल अगर आप 3D दिखाना चाहते हैं तो 3D में लाइट एंड शेडोज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वही बेसिकली डेप्थ बनाते हैं। अब इसमें ब्लेंडिंग मोड में आप आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है लीनियर बर्न, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। आप इफेक्ट्स साथ साथ देख रहे हैं, प्रीव्यू आपका ऑन होगा तो ये ज़्यादा आपको अच्छा रिलायबल जो है ना वो रिज़ल्ट जनरेट करके देगा।
ओपेसिटी अभी मैं इसकी कम करता हूँ मजीद। इसका कलर हम जो है ना वो ब्लैक में ले आते हैं ताकि ब्लैकर टोन ये देखें जो बन रही है। ओपेसिटी मजीद कम कर लेते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मैं ओपेसिटी जो है ना वो चेक करके देखता हूँ कहाँ पे मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि जो ड्रॉ करने वाला है उसको ज़्यादा बेहतर पता है। क्या ख्याल है? इसको हम 10 और 13 के दरमियान में ही कहीं सेट कर सकते हैं। चले 11, ठीक है। ब्लैक टोन हो गई ये आपका, इसको हम स्प्रेड को ज़ीरो कर देते हैं और साइज में इसका बनाता हूँ। ये देखिए वाओ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि वो आउट ही हो जाए। तो चलिए सुना, ठीक है। अब जनाब नेक्स्ट चीज, हम शेडो इसका जो है ना वो जनरेट करेंगे। ये हल्का सा इफेक्ट था जो वुडन का और बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा हमने जनरेट कर लिया। अब हम आते हैं ड्रॉप शेडो की तरफ। ड्रॉप शेडो हमेशा आपका शेडो क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें भी ब्लेंडिंग मोड में हम लेंगे बर्न ही सिलेक्ट कर रहे हैं। ब्लैक कलर है, ओपेसिटी इसकी जो है ना वो 30, चले 30 कर लेते हैं। ग्लोबल लाइट ऑफ करो। ग्लोबल लाइट जो है वो जब आप सेट करते हैं ना वो ओवरऑल लेयर के ऊपर चल रही होती है, इसलिए वो मैं यहाँ पर अवॉइड करूँ। -85 एंगल कर दिया क्योंकि हमें शेडो ऊपर की तरफ चाहिए। तो ये आप लोगों ने ज़रा देखना है। अगर आप ही देखें यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ अगर शेडो करता तो क्योंकि लाइट नीचे से पड़ रही है तो शेडो ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम डिस्टेंस देखते हैं इसका कि डिस्टेंस मुझे कितना चाहिए। ये अगर आप लोग फोकस करेंगे तो ज़्यादा होगा। हमें शेडोज स्प्रेड भी करने हैं। अब आप देखें कि नीचे से लाइट सोर्स पड़ रहा और ऊपर ये जो है ये इस तरह से निकल रहा है। एंगल आपने देखना है कि कितना बेहतर हो सकता है। लाइट यहाँ से पड़ रही है तो यहाँ पर कितनी दूर तक उसका साया बन सकता है, ये आपने देखना है। साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा इस तरह से ब्लर हो जाए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्लर इफेक्ट जो है। क्या ख्याल है? अब आप देखें कि जब नीचे से लाइट पड़ी तो शेडोज इस तरह के ही बनेंगे, है ना, इंटरेस्टिंग चीज। तो जनाब ये हमने छोटा सा एक काम कर लिया, काफ़ी मज़े का इफेक्ट जो है ना वो जनरेट हो गया। अब मेरे ख्याल में हमने जो लेयर स्टाइलिंग थी वो कर ली है, जो हमें रिजल्ट चाहिए थे वो बन चुके हैं। इसको करते हैं ओके। अब थोड़ी सी फाइनल टचिंग बैकग्राउंड के साथ हम खेलेंगे। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ लेयर वन पे, मैं आ चुका हूँ जो हमने पहले जनरेट की थी, और इस लेयर पे आके मैं एक और लेयर जनरेट कर रहा हूँ। इसको हम करते हैं 0 वाइट एंड ब्लैक, और वही ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, रेडियल में है। और यहाँ से मैं अगेन जो है ना वो इसको जनरेट करूँगा एक ग्रेडियंट लेयर, ठीक है। ये वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बन गया, और इसको उठा के हम ले जाते हैं निचली लेयर। समझ आ रही है आप लोग? वो आप कहेंगे निचले लेयर पे आ गया तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होता है कि हम जो ऊपर वाले लेयर पे आते हैं और ऊपर वाली लेयर को हम थोड़ा सा जो है वो चेंज करते हैं, लाइक कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें इसका इफेक्ट जो है ना वो कितने मज़े का बन गया। अब यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी जो है ना उसको कम करते हैं। लेट्स सी कि मैंने इसकी ओपेसिटी 60 कर देते हैं, हम जो भी हमारी वैल्यू है तो मैं 60 करूँ। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक मज़े का इफेक्ट जो है ना वो जनरेट होता है। अच्छा, अब एक फाइल है मेरे पास पड़ी हुई, यहाँ पे मैंने नेट से डाउनलोड की थी, आप लोग भी कर सकते हैं, ये जस्ट टेक्सचर के लिए। और ये फाइल जो है वैसे तो इजीली मिल जाती हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये टेक्सचर फाइल्स होती हैं,
इसको हम जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं जस्ट। अब इसमें आप देखें तो इस फाइल का जो टेक्सचर है उसमें लाइट एक साइड पे आ रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो है ना वो डार्क और लाइटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो अपोजिट साइड पे चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि रोटेट कर देते हैं, रोटेट मतलब कि आपने इसका एंगल चेंज कर दिया। अब एंगल जैसे आप चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली वो डार्कर साइड ऊपर की तरफ जो है ना वो चली ऑलमोस्ट डन। और इसको मैं यहाँ से भी ओपन कर देता हूँ ताकि हम अपने इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इसको यूज़ कर सकें। ये जो है ना मैंने इसको कर लिया, एंटर किया, आप देखें कि ऊपर डार्कर शेड है और नीचे लाइटर शेड है। अब इसी लेयर को हम थोड़ा सा अल्टरनेट करेंगे क्योंकि ये सारा ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर के लिए मुझे ऑब्वियसली इसके कलर चेंज करने हैं। तो हम एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ से हम अपने सेचुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब सेचुरेशन जैसे आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये सारी लेयर्स पे लग सकती है, तो बेस्ट वे इज़ दैट कि हम यहाँ से इसको पहले क्लिपिंग कर लें ताकि ये सिर्फ इसी लेयर पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो। इसके कलर्स को मैं चेंज करूँ तो अब ये देखें कि हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो है ना वो ब्राउन टोन ही में रहे। ये ग्रीन हो जाता है यहाँ पर और इसको थोड़ा सा लाइट भी कम करें, ऑलमोस्ट डन। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो निचली लेयर्स थी मेरी, इन लेयर्स को उठा कर हम ऊपर लेकर आ रहे हैं, ये इसके ऊपर और ये वाला इसके ऊपर। और यहाँ अब हम ये कह रहे हैं कि इस लेयर को मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टोन में सिलेक्ट किया और इसकी ओपेसिटी भी जो है ना वो लिटिल बिट लाइट का इफेक्ट जो है ना वो हमें इजी नज़र आ सकता है। कि एक और लेयर लगा रहा हूँ और इस पर हम ये सिंपल वही चीज़ है, लेकिन अब इस वक्त मैं ग्रेडियंट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, ताकि हम एक ग्लोइंग इफेक्ट जो है ना वो इस पर जनरेट कर लें। और यहाँ पर मैं सिंपल इसके ऊपर ये वाला जनरेट करूँगा दैट्स इट। और इसको भी अब आप सिर्फ एडजस्ट करेंगे कि लाइट जो है ना वो आपके हिसाब से नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप ही देखें कि बिल्कुल एग्जैक्टली अब ये जो चीज़ है अब आपको बिल्कुल उस तरह 3D लुक में जो है वो नज़र आ रही है, उस तरह से अब आप मज़े के मज़ीद इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अपना नाम लिखें, आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं जो भी है, लेकिन ये कि आप देखें कि ये थोड़ी सी चीज़ें, ये कितनी लेयर्स हैं सारी और इनमें कितने मज़े से हमने इफेक्ट जो है ना वो जनरेट कर लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मुश्किल रह गई आपके लिए। कैसा है? तो जनाब अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो लाजमी शेयर किया करें हमारे साथ, जो आप चाहते हैं वो भी डिस्कस किया करें ताकि मुझे पता हो नेक्स्ट जब मैं प्लान करता हूँ। तो अभी भी इसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स आई हुई थी, तो मैंने उसी से रिलेट करते हुए ये आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया। आप लोग बताते हैं और आप लोगों की फीडबैक ही हमें आगे जो है ना वो काम करने पर मजबूर भी कर देती है। इंशाल्लाह अगले मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हाज़िर होऊंगा और प्रीमियर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर होंगे इसी तरह ही। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।